दोस्तों मैं अभी पहुंच गया सिलगुड़ी। नहीं था, मैं पहुंचना सर दिल्ली। रोड खराब होने की वजह से सुबह गैंगटॉक से 7 बजे गाड़ी में बैठा था, अभी 3 बजे लेके आ रहा है। मेरा 11 बजे का ट्रेन था, पैसा भी गया, टिकट भी गया। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल निजी ऑफ सेल्फ ब्लॉग्स में आप लोग को दिल से नमस्कार राधे राधे। तो गाइज आज मैं मेरा ड्यूटी के लिए जा रहा था, कुछ ऐसा सीन हो गया कि रास्ता ख़राब होने की वजह से आम रास्ता घूमना पड़ा। तो अब मैं सिक्किम से निकल चुका हूँ, अभी सिक्किम से टिस्टा होते हुए दार्जिलिंग का सीन होते हुए फिर हम यानी मैं चले जाऊँगा। अब ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ उस तरफ दार्जिलिंग का सीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा एक गाड़ी वहाँ पे खड़ा है, वो थोड़ा ख़राब गाड़ी भी ख़राब हो गया, वो भी बन रहा है। तो वो बनने के बाद फिर चल जाएंगे। आज तो मेरा दिन पूरा पूरा ख़राब हो गया, इतना मोड़ा हो गया, क्या बोले अभी आप लोगों का। इस जो भी हो देखते हैं अभी कैसे होता है, फर्दर आगे का रास्ता आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तब तक सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है गाइस, कीप वाचिंग। तो दोस्तों ये रहा गैंगटॉक, जैसे मैं गाड़ी में बैठ के अभी हॉस्पिटल डाला एक जगह है वहां पे जा रहा हूँ। ये है सेंट थॉमस स्कूल और ये है सिक्किम बैंक, इसको बोलते हैं हॉस्पिटल डांडा। यहाँ से राइट से जाएंगे तो पालदूरी छुट्टी में उतर जाएंगे, जो सामने जाएंगे तो एमजी मार्ग। मैं गाड़ी में बैठ के अभी निकल चुका हूँ यहाँ से। ये रहा हंगरी जैक पेट्रोल पम्प, यहाँ से जो कि सिलगुड़ी के लिए बस और टैक्सी भी मिलता है। और जा भी सकते जो आप सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं गैंगटॉक का मेन मार्केट लाल मार्केट, इसको लाल मार्केट बोलते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध ख्याति रूप में इसको जाना जाता है। ये न्यू मार्केट जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, देखो आज का वेदर बहुत सुहाना है, अच्छा भी है और दूध का व्यू भी अच्छा से दिखाई दे रहा है। अभी मैं पानी हाउस की ओर बढ़ रहा हूँ। ये लाइन को बोलते हैं पानी हाउस, यहाँ पर एक गणेश जी का बहुत बड़ा टेंपल है। और जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे राइसन, थोड़ा चिपेस्ट टाइप का रेस्टोरेंट वगैरह भी मिलता है। यहाँ पे अभी नया खुला है कासिनो, इसको बोलते हैं देवराली, जो कि है विंटर के समय में यहाँ पर केबल कार भी चलता है। आप लोग केबल कार में बैठ के गैंगटॉक का व्यू देख के मनोरंजन ले सकते हो। इसको बोलते बटरफ्लाई ब्रिज यानी पुतली ब्रिज, हूबहू देखने में ये बटरफ्लाई जैसा पंख है दो चार तरफ, इसलिए इसको बटरफ्लाई ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं देवराली। और ये छोटा सा मोनेस्ट्री है और ये ब्लैकआउट डिवीजन, जो कि एक डिवीजन है। और यहाँ से जो हम थोड़ी सी आगे जाएंगे तो राइट साइड में इसको बोलते यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम देवराली स्टैंड बोलते हैं इसको। यहाँ से सिलगुड़ी के लिए बस और शेयरिंग टैक्सी अवेलेबल मिलता है।
और मैं पहुंच गया अभी सिंथाम। ये सिंथाम का ब्रिज है और जो आप सामने देख रहे हो सिंथाम वैली। आज वेदर अच्छा होने के कारण दूर दूर तक अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से चिंता मगर जा सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, बोलते हैं सीतम वैली, जो आप सामने देख रहे हो उस तरफ नदी के उस तरफ। अब मैं दोस्तों पहुंच गया हूँ स्कूल के मैजिटर, यहाँ पर काफी सारा फैक्ट्रीज भी है और जो सिक्किम यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ता है वो यही लाइन में ज़्यादातर रेंट लेके बैठता है। तो इसको बोलते रंपू का न्यू ब्रिज। यहाँ पर प्राइवेट और लोकल पर्सन को ही जाने और आने छूटे, बाकी हम यहाँ से अब रंपू मार्केट होते हुए पुराने ब्रिज से हम क्रॉस हो जाएंगे। यह है प्रॉपर रंपू मार्केट। ये बंगाल दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग और सिक्किम का बॉर्डर लगता है, जो बाहर से आने वाला टूरिस्टों को यहाँ पर पास दिया जाता है और अपना आइडेंटिफिकेशन देखता है और यहाँ पर आईडी शो करके एंट्री हो जाता है। यह है रामपुर मार्केट की मेन नजारा। जो आप ये राइट साइड में देख रहे हो, ये टूरिज्म ऑफिस, जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट यहाँ पर अंदर जाके इनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और गाइड्स बुक्स भी यहाँ से इसी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कि एक बुक का 50 रुपीस प्राइस है। अब यहाँ पे चेक होता है, हमेशा तैनात होता है उनका सेकेंड प्लीज। एसीपी का मतलब सिक्किम आर्म्ड फोर्स। और मैं अभी घर बैठ रहा हूँ कि जो आप देखे हो उसको बोलते हैं टिस्टारी। और अभी मानसून के कारण बहुत बड़ा हो गया है, विंटर के सीजन में थोड़ा कम हो जाता है। अभी हम यहाँ पे उतर के ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने। अब हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे ये रहा टिस्टा ब्रिज। आप लोग के सुने होगा कि टिस्टा ब्रिज बहुत प्रसिद्ध नाम है और सब ज़्यादातर लोग इसको पहचान जाता है। और जो बस ये हो गया, जो प्लीज हाथ दिखा रहे हैं हमको उधर जाओ। अभी ऐसे में लैंडस्लाइड हुआ है आगे, तो हम गाड़ी लेके आगे जा नहीं सकते, इसीलिए अब हम यहाँ से लामाटा जोर बंगला सोनादा करसंग इंदारे रोहिणी दार्जिलिंग मोड होते हुए सिल्ली जाएंगे। तो भाजी आप लोग देख रहे हो ये इसको बोलते पैसक की चढ़ाई। यहाँ पर टी का बहुत बड़ा प्लांटेशन है, इसको बोलते हैं बारह माइल।
तो दोस्तों इसको बोलते हैं 12 माइल। यहाँ से हम लामा हट्टो की ओर जाएंगे। लामा हट्टो में एक छोटा सा गार्डन भी है, वहां का भी आप लोग भरपूर मनोरंजन ले सकते हो। कभी आने का मौका मिला तो यहाँ पे जरूर जाना। हम यहाँ पे हम गाड़ी के कुछ खराब की वजह से हम यहाँ पे थोड़ी देर तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो ये सामने में दिखा रहा हूँ व्यू है दार्जिलिंग। अभी यहाँ पर भी इतना अच्छा व्यू अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, यह है इसको बोलते जोर बंगला। यहां से राइट जाएंगे तो दार्जिलिंग हो जाएंगे और मैं लेफ्ट हूं सिलगुड़ी की ओर, यानी कर्सांग होते हुए हम सिलगुड़ी चले जाएंगे। यह है अभी सिलगुड़ी जाने का रास्ता। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सोनागढ़ की ओर। यहाँ पर आज रोड ज़्यादा खराब होने की वजह से यहाँ पर अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, इसलिए मेरे को जाने में भी बहुत टाइम लग रहा है। वैसे तो गैंगटॉक से सिलगुड़ी ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स में पहुँच जाता है। अभी तो यहाँ भी हो गया मेरा 6 आवर, तो पहुँचते पहुँचते हम अभी 7 आवर्स से ऊपर ही लग जाएगा। इसलिए आज का मेरा प्लान सारा चौपट हो गया। कोई नहीं, एक कहावत है कि नेपाली में होना हार दैव लेटा, यानी जो होना है आपके साथ वो तो होने होना है, इसके लिए कोई नहीं। यहाँ पर भी अभी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि अभी मानसून सीजन है ना, इसीलिए अभी ज्यादा बारिश होता है। तो
तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, ये है सोनादा रेलवे स्टेशन जो कि क्विटन का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे स्टॉपेज है लेफ्ट साइड में, एक दार्जिलिंग का सोनादा मार्केट, इसके लेफ्ट साइड में एक छतिन गुम्बा है, छतिन मिनिस्ट्री, उसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सोनादा मार्केट तो गाइस ये रहा अभी इसको बोलते हैं डीलारम, और एयरफोर्स स्टेशन भी है यहाँ पे छोटा सा, ये है डीलारम। तो यहाँ इस जगह का भी मैंने पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, प्लीज आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो। दोस्तों चलते चलते रास्ता को पता नहीं चला, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है फसल मार्केट जो कि पहले अंग्रेजों की जो बारी थी उस टाइम 1842-35 में यहाँ पे बहुत बड़ा दफ्तर या था, इन लोग का बहुत बड़ा ऑफिस था, इसलिए ये खरसंग दार्जिलिंग के एक प्रसिद्ध एक स्थान है जो कि वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह है जैसे कि ईगल क्वैक्स, हनुमान टॉप और खरसंग मार्केट, और यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट भी है जिससे कि आप खरसंग डायरी जा सकते हो, बहुत स्टैंडर्ड भी है, लाइव सिंगिंग शो होता है और यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। अब यहाँ से भी नीचे तिंदार से होते हुए मैं रोहिणी होते हुए सिलीगुड़ी जाऊंगा। तो मैं रोहिणी क्रॉस करते करते मैं खोपरेल पहुंच गया हूं। अब यहां से थोड़ी ही देर में हम दार्जिलिंग मोड़ पहुंचने वाला है। दोस्तों आप बने रहिएगा, मेरा वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा। फाइनली गाइस मैं सिलगुड़ी पहुंच चुका हूं। तो एक्चुअली मेरा टाइम था 11 बजे का ट्रेन का, तो ट्रेन भी छूट गया, पैसा भी गया, टिकट भी गया। अभी ये गरीब को क्या होगा भाई, आप ही बताओ। अभी गरीब ने क्या करना है, अभी ये दार्जिलिंग मोड, अभी मैं यहाँ पे अब सिलगुड़ी में बैठूंगा आज, तो मैं सिस्टर घर जा रहा हूँ। अभी ऑटो में बैठ चुका हूँ, क्या करूँ अभी यहाँ से फर्दर, अभी दूसरा वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण मैं ये वीडियो को अभी यहाँ पे खत्म करूँगा।
अभी आया है। मेरे दीदी वाली मेरे को छुपा हुआ नहीं, ये रहा अभी मैं यहाँ प्याज और करूँगा। तो दोस्तों वीडियो तो लास्ट तक देख लिया, एक कमेंट भी कर लेना। So guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe Nijo Official Blog and let's meet in the next. Also, Radhe Radhe.